हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसके बीच मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम की डीएम्स में काफ़ी मैसेजेस आते थे कि मेरा प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ है जेएनयू से, और मैं मैक्सिमम लोगों को यही रिप्लाई करती थी कि इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी। एंड फाइनली आज वो वीडियो मैं बना रही हूँ। तो मेरा प्लेसमेंट हुआ था ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस में। ये एक यूएस बेस्ड हेल्थ केयर कंपनी है। ये यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के अंडर आती है, और इस कंपनी में जेएनयू से टोटल 12 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुआ था, जिनमें से 9 स्टूडेंट्स थे एमसीए के और 3 स्टूडेंट्स थे बीटेक के। ऑप्टम ने जेएनयू में जितनी भी कंपनीज आई थी प्लेसमेंट के लिए, उनमें से हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया था। अब हाईएस्ट पैकेज नॉर्मली कितना रहता है वो आप मैंने पहले एक वीडियो बनाया था उसमें देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जेएनयू में जब प्लेसमेंट सीज़न चल रहा था, जब बाकी कंपनीज आ रही थी और बाकी बच्चों की प्लेसमेंट्स हो रही थी, उसी टाइम पे मेरा और मतलब मेरे साथ और जिनका ऑप्टम में हुआ है, हम सब का भी उसी टाइम पे ही प्लेसमेंट हुआ था। तो अब आप लोग पूछ सकते हो कि फिर मैं ये वीडियो इतना लेट क्यों बना रही हूँ। क्योंकि कुछ रीज़न्स की वजह से हमारा जो जॉइनिंग था वो थोड़ा सा लेट हुआ है। अभी रिसेंटली अप्रैल में ही हमारा जॉइनिंग हुआ है, और मैं चाहती थी कि मेरा जॉइनिंग होने के बाद ही मैं ये वीडियो बनाऊं, वो मेरा पर्सनल चॉइस था। तो इसी वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया, पर जो भी है इसके बाद से मैं ट्राई करूँगी कि यूट्यूब में कंसिस्टेंट रहने का और रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने का। और मैंने सोच रहा था कि मैं अपने पूरे बैच के प्लेसमेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको ऐसा कोई प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियो देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, तो मैं वैसा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको जेएनयू के बारे में या जेएनयू में एमसीए के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और ये वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।